चिराग पासवान हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान इस बार रामविलास पासवान का वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो भारी मतों से रामविलास पासवान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए थे हाजीपुर से चुनाव जीतकर, कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जो लहर चल रहा है, जो चिराग पासवान के चाहने वालों की तादाद बढ़ी हुई है, इससे साबित हो रहा है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान का रिकॉर्ड मत तोड़ा, उस रिकॉर्ड को चिराग पासवान तोड़ेंगे साथियों। क्योंकि चिराग पासवान हाजीपुर नहीं, बिहार भर में चिराग पासवान की पॉपुलरिटी इस वक्त इतनी काबित हो गई है कि चिराग पासवान के लिए एक झलक पाने के लिए लोग कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ सेल्फी लेने के लिए चिराग पासवान के साथ करीबी जाते रहते हैं। लेकिन चिराग पासवान की पॉपुलरिटी बिहार भर में छाई हुई है और चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे साथियों। लेकिन बताया जा रहा है, जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है कि चिराग पासवान रामविलास पासवान का रिकॉर्ड तोड़कर, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक बयान भी दिए थे कि हर पिता या फिर हर माँ बाप कहीं ना कहीं अपने बेटा बेटी को अपने से आगे जाते हैं, तब जाकर उनको और ज्यादा खुशी होती है। तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं उसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और रामविलास पासवान का हाजीपुर से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने वाला उस रिकॉर्ड को चिराग पासवान तोड़कर कहीं ना कहीं उस रिकॉर्ड को अपने नाम लेना में लगे हुए हैं। लेकिन कल चिराग पासवान तमाम जगहों का हाजीपुर में भ्रमण किए, तमाम वैवाहिक कार्यक्रमों में भी चिराग पासवान कल पहुंचते हैं। लेकिन चिराग पासवान से मिलने के लिए, चिराग पासवान की एक झलक पाने के लिए कहीं ना कहीं लोग बेताब रहते हैं साथियों। चिराग पासवान की यही वजह है कि बिहार भर में चिराग पासवान की पॉपुलरिटी है और चिराग पासवान को आने वाले समय में बिहार के लोग बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं साथियों। तो देखिए साथियों, चिराग पासवान अभी एनडीए गठबंधन के अलायंस में हैं और चिराग पासवान 2 मई को हाजीपुर सीट से नामांकन भी करेंगे। तो देखिए, हमारी अपडेट जारी रहेगी, उसके लिए जो भी अपडेट खबर की मैं आप सबको दूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान, जय हिंद, जय बिहार।